अरे शो में आपका स्वागत है। नवीनतम घटनाक्रम में सैकड़ों फिलिपिनो प्रदर्शनकारी फर्डिनेंड मार्कोस को अपदस्थ करने वाले विद्रोह की वर्षगांठ मनाने के लिए रविवार को मनीला की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने उनके बेटे बोंगबोंग मार्कोस को अपने पिता की तानाशाही को दोहराने से रोकने की कसम खाई। जनशक्ति क्रांति की 37वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों की विविध भीड़ उमड़ी। वे तख्तियां लिए हुए थे और मार्कोस परिवार और अतीत को सफेद करने के उनके कथित प्रयासों की निंदा करते हुए नारे लगा रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने काली शर्ट पहनी थी जिस पर फिर कभी नहीं लिखा हुआ था। अन्य लोगों ने तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था, मार्कोस कभी मत भूलो, कभी माफ मत करो। विरोध प्रदर्शन ने विभिन्न मानवाधिकार समूहों के लिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई और दंडमुक्ति को समाप्त करने का आह्वान करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया। युवा मार्कोस एक साल से भी कम समय से सत्ता में हैं, लेकिन उनका राष्ट्रपति पद पहले ही विवादों में घिर चुका है। उन पर मानवाधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार और सत्ता को मजबूत करने के प्रयासों का आरोप लगाया गया है। उनके आलोचकों को डर है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अंततः फिलीपींस में एक नई तानाशाही स्थापित करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मार्कोस अपने अभियान के वादों को पूरा करें, जिसमें देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना और आम फिलिपिनो के जीवन में सुधार करना शामिल है। उन्होंने राजनीतिक उत्पीड़न को समाप्त करने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी आह्वान किया। विरोध शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया, लेकिन इससे मार्कोस सरकार को स्पष्ट संदेश गया कि उनके शासन का कड़ा विरोध हो रहा है। ये देखना बाकी है कि क्या मार्कोस प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देंगे या अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहेंगे।